जब हमारी आवाज़ सड़कों से नहीं सुनी जाएगी तो धमाकों की आवाज़ संसद और विधानसभा होनी चाहिए, हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं। सरकार अब डूब के मरने का काम है, यदि इसी जगह मैं होती तो मुझे जाट बेटी या जाट बहू या जाट नेता बता दिया जाता। आप सपोर्ट करते हैं, आप साथ जाते हैं? अगर आपके साथ नहीं, बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल नहीं मना करते। हम तो, हमारी तो विचारधारा एक है, क्योंकि हम अंबेडकरवादी हैं, हम भी तो अंबेडकरवादी हैं। सिक्किम जी एक बड़ा सा संविधान बचाना है, एक बड़ी विचार थे, अंबेडकरवादी है वो, जहाँ तक मैं मानती हूँ, क्रांतिकारी है, आतंकवादी नहीं। पर मेरे देश की विडंबना है, जो मेरे देश से आवाज उठाता है वही आतंकवादी हो जाता है। कुछ दिन किया है उसने आतंकवादी हमला नहीं किया। मोदी मीडिया से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि वो इस चीज को गलत तरीके या गलत वे से पेश ना करे, जो सच्चाई है उसको सच्चाई दिखाने का काम करे। यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा करती है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले टाइम में यहाँ से बहुत बड़ी पंचायत होगी और जो आगामी कार्रवाई होगी वो सरकार के लिए सही नहीं होगी। सिक्किम जी, 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमला हुआ था संसद के ऊपर, उसी दिन ये इसने ये काम किया है, तो आप किस तरह से देखते हो? नहीं, आतंकवादी हमला नहीं था, जो पहले हुआ वो अलग बात थी, पर ये बात हम मानते हैं, जो ये है ये व्यवस्था के ऊपर हमला था। इन्होंने दिखाया कि हम PhD MA BA MPhil करके बेरोजगार हैं और लगातार जो बेटी थी वो किसानों को देख रही थी, मजदूरों को देख रही थी, व्यापारियों को देख रही थी, महिला को देख रही थी, सरपंचों को देख रही थी कि हमारी आवाज़ जब भी हम बुलंद करते हैं धरना प्रदर्शन से तो हमें दबा दिया जाता है, केस लगा दिए जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में हम बिजी रहते हैं। तो उस बेटी ने सिर्फ एक ये है कि इस व्यवस्था के ऊपर हमला किया, अपने आप को झोंक दिया, ताकत दी और ये बताने की कोशिश की कि देश की स्थिति में है, जो राजनेता बैठे हैं उनकी कमी की वजह से आज उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। सिक्किम जी, आपके साथ भी रही है, किसान आंदोलन भी रही है, तो क्या कुछ चलता था, मतलब ये बड़ी अच्छी नेचर की थी, क्रांतिकारी विचार थे, अंबेडकरवादी है वो, जहाँ तक मैं मानती हूँ। भगत सिंह को पढ़ती है, सब छोटू राम को पढ़ती है, जब भी हमारी बात होती थी दो दो घंटे हम बातें करते थे फोन पे, तो बड़ा लंबा डिस्कस होता था इस देश की व्यवस्था को कैसे बदले। कुछ आरोप भी लगाया है भाई, इस प्रकार से आतंकवादी की श्रेणी में इनको रखा गया, नहीं ये बड़ा गलत है, यूपीए जो एक्ट है उसको रद्द किया जाए, ये क्रांतिकारी है आतंकवादी नहीं। पर मेरे देश की विडंबना है, जो मेरे देश से आवाज उठाता है वही आतंकवादी हो जाता है। कुछ दिन पहले हम भी आतंकवादी थे, हमारे से पहले भगत सिंह आतंकवादी था। तरीका सही है, ये आपको सही लगता है? बिल्कुल लगता है, जब हमारी आवाज सड़कों से नहीं सुनी जाएगी तो धमाकों की आवाज संसद और विधानसभा होनी चाहिए, हम इस चीज का समर्थन करते हैं। क्या किसी कोई संगठन से भी जुड़ी थी? नहीं, किसी संगठन से ना ही किसी सामाजिक संगठन से, उसका खुद का संगठन था, पर वो जहाँ भी जिसको ये लगता था कि यहाँ अन्याय है वो वहीं पर साथ देती थी। ऐसा कदम उठाने पर क्यों मजबूर हुई? जब आदमी को कभी या तो मतलब जब आदमी हार जाता है या तो लास्ट में सुसाइड कर लेता है या एक ऐसा फैसला कर देता है कि दुनिया की दिशा बदल देता है, ये बात वो होती है कि डर के आगे जीत, तो ये डर के आगे जीत वाला मामला था। सिक्किम जी, आगे का क्या प्लान है, क्या कुछ आगे का प्लान? ये है कि सारे बच्चों को रिहा करो, सीधी सी बात है। सरकार यदि इनको आतंकवादी मानती है, जो BJP का सांसद है जिसने पास मुहैया कराए, क्या वो आतंकवादी नहीं है? उसको भी पद से उतारा जाए और आतंकवादियों के साथ जेल के अंदर रखा जाए। बीजेपी के नेता जी ने जो साफ है जो मना कर दिया है कि हमारा इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए मना कर दिया कि वो किसी संगठन की पद अधिकारी नहीं है, पर किसान संगठन के अंदर जो उन्होंने मेहनत की, जो साथ दिया उसके हम गवाह हैं, हमारे साथ साथ दिया, खटखट टोल पे साथ दिया, पहलवान वाले आंदोलन में लगातार मेरे साथ जेल में रही और हमारे साथ थी। क्या किसान मोर्चा की नीति ये होती है, जब उस पर कोई पद्म मिलता है तभी किसान संयुक्त किसान मोर्चा उसका साथ देता है, तमाम जो और लोग आम लोग होते हैं उसका साथ नहीं देता? नहीं, साथ हम हरेक का देते हैं, अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहे हैं। जो रियाकेस्ट टिकैत जियों को पता किया गया, क्योंकि जब कोई बात आनंद फानन में होती है तो सिर्फ ये पता किया होगा कि किसी किसान संगठन की वो पदाधिकारी है कि ना है, पर पदाधिकारी होना ही कोई जरूरी नहीं है। काफी दिनों से उछाल धरने पे नहीं आ रही थी, कुछ लड़ाई वगैरह कुछ नहीं, ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो अपनी स्टडी में मशगूल थी और लगभग एक डेढ़ महीना पहले मेरी बात हुई थी। उसके बाद क्या बात हुई थी आपकी? उस टाइम बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैं फोन पे आपको नहीं बता सकती, मुझे आपसे मिलना है, पर मैं जैसे ही चंडीगढ़ से आई, आपको पता है यहाँ प्रिंसिपल वाला मामला था, मैं उसमें बिजी हो गई और मैं बात नहीं कर पाई, पर वो लास्ट टाइम उससे मिलना चाह रही थी। उसके क्या लगता है, क्या इस बारे में बात करना चाहती थी? हो सकता अभी बात करना चाहे, क्योंकि आप सपोर्ट करते हैं, आप साथ जाते हैं? अगर आपके साथ नहीं, बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल नहीं मना करते। हम तो, हमारी तो विचारधारा एक है,
क्योंकि हम अंबेडकरवादी हैं, हम भी तो अंबेडकरवादी हैं। सिक्किम जी एक बड़ा सिक्किम जी एक बड़ा सवाल है, जैसे ये गई है, चलो इसका इरादा गलत ना हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत इरादे से चला जाता तो कोई नुकसान भी हो सकता, संसद में कुछ गलत भी हो सकता था, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया और बीजेपी वालों ने कहा था। सुनो मेरी बात, जब सुरक्षा नहीं है तो देश की सुरक्षा कहाँ होगी, ये भी उस बेटी ने और उन बच्चों ने क्लियर कर दिया। ये जो लोग ये कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में, हम कहते हैं देश असुरक्षित हाथों में है, देश में संसद की भी सुरक्षा नहीं है तो आम बहन बेटियों और आम समाज की कहाँ सुरक्षा है, इस चीज को भी उसने भेदने का काम किया। मैं ये पूछ रहा था कि बड़े बड़े जो दावे उस टाइम किए गए थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, नई संसद ऐसी बनाई गई है, यहाँ पर 6 स्टूडेंट चले गए हैं, कथित तौर पर स्टूडेंट बताया जा रहा है, अभी किसी संगठन से उनका नाम नहीं जुड़ा हुआ है, क्या लगता है धजिया उड़ गई है उनके बाद? बिल्कुल, जो मोदी सरकार ये कहती है कि मैं कामयाब सरकार हूँ और जिन्होंने एक नया संसद के ऊपर अरबों रुपया खराब कर दिया, हम तो यही कहेंगे खराब कर दिया, अरबों रुपये खराब कर दिया, हम तो उस संसद का वैसे ही विरोधी रहे हैं, क्योंकि जब उस संसद का उद्घाटन किया गया, बेटियों के बाल पकड़ पकड़ के हमें वहाँ जंतर मंत्र पर घसीटा जा रहा था, खिलाड़ी बेटियों के साथ मैं भी थी, नीलम भी थी, तो इस संसद का तो मुहूर्त ही गलत टाइम में हुआ है। और दूसरी बात, हमारी राष्ट्रपति जो सबसे बड़े पद पर थी, पिता उसके हाथ से कटना था पर वो बैकवर्ड से आती थी, इसलिए उसको जो हमारे ये जिसको हम कहते हैं कि तिलकधारी, उन्होंने कहा ये अच्छा नहीं है, या मतलब ये क्या कहते हैं उसमें, शुभ नहीं है, वो शुभ देख लो कितना शुभ है। अब नीलम आजाद प्रजापति नाम इसमें आ रहा है, यानी इसको दलित का भी एक नाम दे दिया गया, क्या किसान जो नेता है किसान संगठन उसमें कोई ऐसा तो नहीं चलता? बिल्कुल नहीं, मैं जाट हूँ और मैं इस बेटी के साथ खड़ी हूं। नीलम आजाद है जो ओबीसी समाज से, दलित समाज से, पूरा उसी तरह से उसी गरिमा से साथ दिया जाएगा। जैसे जाट बेटी के साथ हमने जंतर मंतर पर जाटों की बेटियों का हमने साथ दिया, किसान आंदोलन में साथ दिया, सामाजिक संगठनों में जैसे हम साथ देते हैं, हम लास्ट टाइम तक, हम जाट है विशेष कौम से ये सरकार मानती है। हाँ, सरकार अब डूब के मरने का काम है, यदि इसी जगह मैं होती तो मुझे जाट बेटी या जाट बहू या जाट नेता बता दिया जाता। आज ओबीसी या बीसी वहाँ आवाज उठा रही है, आज सरकार के पास क्या जवाब है, ये जवाब भी सरकार देने का। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि ये पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, ये बेरोजगार कैसे हो सकते हैं, ये काम ही नहीं करना चाहते हैं। नहीं, सरकार के पास यदि है तो हम डाटा उपलब्ध करा देंगे सबको, दो 2 करोड़ रोजगार का तो उन्होंने वादा किया था। हमारे पास तो जो मतलब ये कह सकते हैं कि पीएचडी होल्डर बच्चे हैं, वो सड़कों की खाक छान रहे हैं। देश में हमारे पास ऐसे हालात हैं कि हम जमीनों को बेच के हमारे बच्चों को मजदूरी करने के लिए विदेश भेज रहे हैं, तो सरकार नाकाम है। ये नाकामी दिखाने के लिए उन बच्चों ने एक धमाका जो किया है, ये आंदोलन किया है, धमाका नहीं है, ये आंदोलन है, और इसको आप आंदोलन की तरीके से ही देखें, उनका किसी को कोई नुकसान पहुंचाने का। सरकार आपकी आवाज नहीं सुन रही है क्या, जो संसद में जाना पड़ रहा आप लोगों को? नहीं, सरकार यदि हमारी आवाज सुनती तो हमें संसद में कोई मतलब, हमें अपनी जान खतरे में डालने का कोई शौक है क्या? सबको अपनी आवाज अगर सरकार को बतानी है, क्या वो संसद में घुसेगा? बिल्कुल घुसेगा, यदि सरकार सारे वर्गों को ऐसे ही तानाशाही देती करती रही तो आने वाले टाइम में, मैं आपके मीडिया पे कई बार कहती हूँ कि हमारे देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी है, और आने वाले टाइम में इस देश में संसद और विधानसभा में श्रीलंका जैसे हालात होंगे, लिख लो मीडिया पे, यदि यही हालात रहे सरकार के, या तो जो ये राजनेता बैठे हैं सुधर जाए, नहीं तो जनता इनको सुधारने का काम करेगी और इनको पीट कर देश से भगाने का काम करेगी।